हमारे यहाँ 10 लोगों की मौत हो गई एक ही गांव में, और बगल वाले गांव में भी हुई। चूँकि हमारे यहाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा इतनी दुखी हुई, और उससे पहले भी जब हमारा इलेक्शन नहीं हुआ था अलियापुर गांव में भी शराब का ठेका हटवाया था, 400 महिलाएं गई थी मुख्यालय और हम लोगों ने ठेका हटवाया था। तो चूँकि ये महिलाएं इतना ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे घर के खर्च कैसे चलें, हम क्या करें, पति लोग मान नहीं रहे हैं और नकली शराब से मर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, ये सारी समस्याओं को देखते हुए आज हम सभी लोगों ने ये मिशन बनाया है कि हम लोग सारी विधानसभाओं में जा जा के इस नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। और हमारी तो ये प्रार्थना है कि जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी पुरुष वर्ग हैं, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि शराब जैसी घातक चीज़ों को अपने अंदर ना ले जाएं, इससे लंबी बीमारियां हो जाती हैं, किडनी ख़राब हो जाती है, लीवर ख़राब हो जाता है और पैसों का भी नुकसान होता है। कि हम सब बहनें चाहती हैं, पूरी महिलाएं चाहती हैं, महिला वर्ग चाहता है, अकबरपुर विधानसभा की महिला वर्ग, बिठूर का महिला वर्ग जो हम लोगों से मिला वो ये चाहता है कि नशा मुक्त समाज हो, कहीं भी कोई भी व्यक्ति शराब ना पिए। हाँ बिल्कुल मिली भगत है, जिन लोगों की मिली भगत होगी उस पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी और मुख्यमंत्री जी हमारे कर रहे हैं। अभी भी किसी गांव और भी कार्यक्रम इस तरीके का कर चुके हैं क्या? हाँ हम लोग बिठूर में कर चुके हैं, अकबरपुर रनिया विधानसभा में कर चुके हैं, अब ये महाराजपुर विधानसभा में कर रहे हैं। आज हम लोग जुलूस निकाल कर जागरूकता ला रहे हैं, सभी से हार पंपलेट बांट रहे हैं, सबसे कहते भी जाएंगे, माइक से बोल भी रहे हैं कि आप लोग शराब को छोड़ दें। सरकार से यही अपील है कि नकली शराब जो बनाने वाले उन पर सख्त कार्रवाई हो और शराब बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है, हम तो सब महिलाएं चाहते हैं शराब हो ही ना। अभी आपको पता है कि नकली शराब पीने से करीब 18 लोग मर गए हैं गांव देहात में, तो हम लोग जन जागरण रैली निकाल रहे हैं कि लोग शराब से दूर रहें, शराब न पिएं, क्योंकि ये पता करना बड़ा मुश्किल है कौन असली है कौन नकली है, क्योंकि शराब माफिया इतने ज़्यादा होशियार हैं कि उसी तरह की बोतल, उसी तरह का रैपर, उसी तरह का ढक्कन और शराब का कलर भी उसी तरह से, और सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि जो लाइसेंस होल्डर दुकानदार हैं उनसे साठ गांठ करके दुकानों के माध्यम से बेच रहे हैं। पहले गली कूचे में बिकती थी तो पता लग जाता था, लेकिन अब तो दुकानों में रखवा के बेच रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। इसलिए हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सी शराब की बोतल नकली हो और आपकी जान चला जाए, इसलिए आप जो है शराब से दूर रहें, अपने बच्चे पालें, परिवार को आगे बढ़ाएं। देहात खासतौर से नकली शराब का हब बना हुआ है, आप कुछ करिए। तो उन्होंने कहा हम कड़े कानून बनाने जा रहे हैं, कानून आपके सामने है, अध्यादेश लागू हो चुका है, सबको पता है और उसमें कार्रवाई हो रही है। हम लोगों को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि शराब जैसे नशे से दूर रहें, हम तो कह रहे नकली का पूरी तरीके से शराब पीना बंद कर दें, शराब न पिए और अपने जो है बच्चे पालें, अपना परिवार देखें, लस्सी पिए, दूध पिए, है ना। सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि जो लोग भी नकली शराब के धंधे में लगे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और प्रशासन को भी सख्ती से निर्देश देना चाहिए कि किसी के साथ किसी तरह का रहम का व्यवहार न करें, क्योंकि अगर सख्ती नहीं करेंगे तो उनके मनोबल बढ़ेंगे। पहले ऐसा ही होता था, नकली शराब में लोग पकड़े जाते थे, उसी दिन जमानत हो जाती थी और फिर उसी काम में लग जाते थे। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी बंद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी अगर शराब बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी और बहुत अच्छा काम होगा।